नीतीश कुमार का बात का वैल्यू है? नहीं वैल्यू है, कोई वैल्यू उनका बात का नहीं है। वैसे ही राज्यसभा में, भरे राज्यसभा में लेडीज के सामने वो कितने अश्लील अश्लील बात किए, तो गांजा पी के राज्यसभा में बैठना बैठता है? हम लोग क्या वोट देंगे? वो गंजेड़िया के राज्यसभा में बैठे लेडीज के सामने बोल सकता है इतना गंदा बात? वो क्या बिहार का फिक्र करेगा? नीतीश चाचा है और बाबा इधर उधर होते हैं ना, वो बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाबा पलट रहे हैं, एक साइड रहे हैं। अगर आज महागठबंधन रहते हैं, कितना वैकेंसी दिए आज कितना दिनों मिलकर दिए वैकेंसी? अच्छा, टीचर का, जीडी का, ये सब वैकेंसी दिए ना, जो पलटते हैं अच्छा नहीं करते। एक साइड रहेंगे उनको इज्जत रहेगा, दोनों साइडों में कोई इज्जत नहीं रहेगा, कोई बिहार नहीं मांगेगा। अच्छा, आप लोग क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़ लिखकर? अभी तो अभी एंट्री कर रहे हैं। नीतीश कुमार बना था, नीतीश कुमार के नौकरी देवे का मन रहेगा तब तो लेकिन कुछ बनेगा। नीतीश कुमार तो अपना सीट के लिए नीतीश कुमार पलटी खा रहा है, काहे पढ़ लेकर अपना काम नहीं करेगा? काहे बिजनेस में भैंस चराएंगे? पढ़ लिख के गवार है तो भैंस चराएंगे? नमस्कार, मैं राजा बाबू और आप देख रहे हैं किंग न्यूज। अभी हम मौजूद हैं परीक्षा केंद्र पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नाम, ये केंद्र का नाम है गया कॉलेज, गया गया में है। और यहाँ पे आज परीक्षा तीसरा दिन है। आपको पता ही हुआ कि 1 फरवरी से पूरे बिहार भर में 1523 केंद्रों पर परीक्षा संचालित है। ये परीक्षा जो है दो पाली में हो रहा है, 12th का परीक्षा। यहाँ पे देखिए कुछ छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों का समय जो है वो सेकेंड सिटिंग में है। पहला पाली का परीक्षा जो है वो चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे कितने छात्र जो हैं भीड़ लगाए हुए हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। अब इनसे बातें करेंगे कि क्या इनका कितना तैयारी है और ये कितने उत्साहित परीक्षा देने के लिए एग्जाम देने वाले हैं। हाँ। कौन से पेपर है? कौन से पेपर? ज्योग्राफी। कितना पढ़े हैं? तो नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं, कैसे दीजिएगा? यस, भगवान भरोसे। यस, भगवान भरोसे लिखेंगे कि नहीं? भगवान भरोसे लिखेंगे। लिखेंगे यस। थर्ड डिवीजन भी आएंगे और नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, पूछना है? पूछो, नहीं पूछा था, पास हो जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, 300 नंबर से ज्यादा लिखेंगे और पास होंगे। हाँ, बिहार सरकार पे भरोसा है। नीतीश चाचा को क्या करना चाहिए? नीतीश चाचा है जो पलटू राम है, उनका गांव और बात के वैल्यू नहीं है। नहीं, पलटू चाचा पलट गया, बीजेपी में जाके सारे फैन फैन तो किसी के नहीं है, खुद का फैन है। इधर नीतीश देखते हैं मार, उधर छानते हैं मादर चोद है। अमित शाह से बोला था कि बीजेपी में नहीं आने देंगे। अच्छा। और फिर जाके गया बीजेपी में। अच्छा। और नीतीश कुमार भी बोले थे कि हम कभी अब बीजेपी में नहीं गए। क्यों गया? मतलब उनका बात का भरोसा? बात है उसका गांड के पहलू है, माधर चोद वाला के रंडी वाले बोलना चाहेंगे, लड़कन बोलेगा, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपना प्रधानमंत्री का सीट के लिए ऐसे कर रहा, और वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। माधर चोद कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसका औकात नहीं है। जो इलेक्शन होने वाला है, हम लोग आरजेडी को देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे। और क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे? एग्जाम देने वाले हैं। यस भैया, क्या घंटा पढ़ के हैं? एग्जाम पढ़ा है 2-3 घंटा। अच्छा, का बनेगा? नीतीश कुमार बनावेगा? कुछ नहीं बनाएगा। मतलब पढ़ रहे सरकार के भरोसा, पढ़ लिख के गाय भैंस चरा देंगे? देखिए किधर भाई है, इनसे बात कर रहे हैं। मेरा ज्योग्राफी, छोटू कुमार, मेरा ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है वो तो निर्भर करता है के पाठक जी, और मेरे जो के पाठक जी हैं वो एग्जाम ले रहे हैं, जो अच्छे से एग्जाम ले रहे हैं वो बिहार बोर्ड का, वो अच्छा नहीं है। और जो मेरे नीतीश चाचा हैं वो बाबा इधर उधर होते हैं ना, वो बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाबा पलट रहे हैं, एक साइड रहे हैं। अगर आज महागठबंधन रहते हैं, कितना वैकेंसी दिए आज कितने दिनों मिलकर दिए वैकेंसी? अच्छा, टीचर का, जीडी का, ये सब वैकेंसी दिए ना, जो पलटते हैं अच्छा नहीं करते। एक साइड रहेंगे उनको इज्जत रहेगा, दोनों साइडों में कोई इज्जत नहीं रहेगा, कोई बिहार नहीं मांगेगा। क्या फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का, कैसा लेवल आता है, कैसा लेवल आता है क्वेश्चन का? ज्योग्राफी का फर्स्ट मेरा पेपर है जी। हाँ, नीतीश कुमार का बात का वैल्यू है? कोई वैल्यू उनका बात का नहीं है। वैसे ही राज्यसभा में, भरे राज्यसभा में लेडीज के सामने वो कितने अश्लील अश्लील बात किए,
तो गांजा पी के राज्यसभा में बैठना बैठता है, हम लोग क्या वोट देंगे? वो गंजेड़िया के राज्यसभा में बैठे लेडीज के सामने बोल सकता है इतना गंदा बात? वो क्या बिहार का फिक्र करेगा? अरे तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार है जो कभी भी बिहार में किसी के सामने, ठीक, ये ऐसा सब नहीं प्रयोग करना चाहिए नीतीश कुमार के, वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं, इसलिए तो आप राजनीति में नहीं उतारा है जी। आपकी नजर में कौन अच्छा है? तेजस्वी यादव, हाँ बिहार के भविष्य के लिए तेजस्वी यादव परफेक्ट सीएम होंगे, और उनका लालू यादव का तो बात नहीं कर, बिहार के बचाना है तो तेजस्वी यादव के लाना है, बिहार के बचाना है तो तेजस्वी यादव के लाना है। तो यहाँ पे काफी जो गांजा पी के देता है राज्यसभा में भाषण, बिना सीनियर है, जूनियर है जी, लालू यादव सीनियर है। देखिए यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी जो है वो एग्जाम देने आए हैं, लेकिन यहाँ पे, हाँ बोलिए, तेजस्वी कुमार है जो सिस्टम फाल के रख देगा, तेजस्वी कुमार है जो सिस्टम फाल के रख देगा, कभी भी नहीं ला देगा तेजस्वी यादव। अच्छा, केतो भी यादव के इलाके में जाएगा तो केतो भी नहीं ला के धर देगा। अभी किसको वोट देंगे? लालू यादव के, लालू यादव। अच्छा, आप लोग क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़ लिख कर? अभी तो अभी इंट्री कर रहे हैं, नीतीश कुमार बनाता है, नीतीश कुमार के नौकरी देवे का मन रहेगा तब तो लेकिन कुछ बनेगा। नीतीश कुमार तो अपना सीट के लिए नीतीश कुमार पढ़ लिखा रहा है, काहे पढ़ लेकर अपना काम नहीं करेगा, काहे बिजनेस में भैंस चराएंगे, पढ़ लिख के गवार है तो भैंस चराएंगे। देखिए कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा है। अच्छा अच्छा, सुनिए अभी का तैयारी कैसा है आपका? एग्जाम है ना जी, अभी का तैयारी तो बहुत अच्छा है, भैंस चराते थे और पढ़ते थे भी। अच्छा, पढ़ के आए हैं। अच्छा, अंदर मतलब चिट जा रहा है कुछ? दम सही जा रहा है, चोरी नहीं हो रहा उतना, मगर दो चार नंबर आ ही जाएगा। अच्छा, देखिए तो यहाँ पे हम परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं, और यहाँ पे देखिए कितने परीक्षार्थी जो हैं वो पढ़ाई से लेकर के हट करके सरकारी जो मतलब कि जो चुनावी होता है, जो इलेक्शन होता है, उस प्रकार से यहाँ पे बात बोल रहे हैं। और जो यहाँ पे अंकल जी थे वही बताएं कि जो इस कॉलेज के जो साटा गया है रोल नंबर वाला, उसमें भी प्रॉब्लम है, सही जगह पे साटा नहीं गया है, क्योंकि बच्चा का अपना सीट प्लान देखने में नहीं साटा गया है, जो इन लोगों को अपना सीट प्लान चेक करने में काफ़ी देरी हो रहा है। कॉलेज से जो भी केंद्र अधीक्षक है उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया करके इसको सुधार किया जाए, नेम प्लेट साटा जाए, क्योंकि बच्चों को अपना रोल नंबर खोजने में, अपना सीट खोजने में कठिनाई हो रहा है। बाकी हम इसी प्रकार का आपका रिव्यू वीडियो परीक्षा से रिलेटेड दिखाते रहेंगे इसी चैनल पर, किंग न्यूज पर। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद जय भारत।